पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नेवल एयरबेस सिद्दीक और तुर्बत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। हमला ऐसा है जिससे पाकिस्तान खौफ में आ गया। गोलियों की तड़तड़ाहट और विस्फोटकों के जोरदार धमाकों से पाकिस्तान दहल गया, जिसके बाद देखते ही देखते पूरे देश में अलर्ट घोषित कर दिया गया। इस हमले की जिम्मेदारी BLA या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारियां आई हैं, उसके मुताबिक इस हमले में सेना के एक जवान के मारे जाने की बात कही गई है, जबकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 4 हमलावरों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्दीक नेवल एयरबेस में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमलावर घुस गए थे, जिनके निकल जाने तक लगभग 8 घंटे तक ये पाकिस्तानी फोर्सेस का मेगा ऑपरेशन चलता रहा। हालांकि जो बातें पाकिस्तानी मीडिया में सामने आ रही हैं और जो दावे पाकिस्तानी सेना की ओर से किए जा रहे हैं, उनमें थोड़ा विरोधाभास भी है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें बताई जा रही हैं, उसके मुताबिक हमलावर पाकिस्तानी नौसेना के दूसरे सबसे बड़े एयरबेस में घुसने में कामयाब रहे थे, जिसके साथ मुकाबला करते हुए पाकिस्तानी फोर्सेस के पसीने छूट गए, जबकि सेना का दावा है कि हमलावर एयरबेस के भीतर नहीं घुस पाए थे, उन्हें घुसने की कोशिश में ही घेर लिया गया था। इसके अलावा एक और बड़ा दावा जो किया जा रहा है, उसके मुताबिक एयरबेस में भारी गोलाबारी और दूसरे बड़े धमाके भी सुने गए, जिसमें बड़े नुकसान की संभावना जताई जा रही है। इसी तरह के दावे हमले की जिम्मेदारी लेने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी किए हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना का कहना है कि एयरबेस में कोई नुकसान नहीं होने पाया। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी इस बड़े हमले पर ज्यादा कुछ खुलकर बात नहीं कर रही है, ऐसे में उसके रिजर्व बने रहने पर भी संदेह पैदा हो रहा है। ये ऑपरेशन पूरे 8 घंटे तक चला, जिसके पूरा होने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा कि हमारे बहादुर सैनिकों ने बड़ा नुकसान होने से बचाया है, साथ ही उन्होंने मारे गए एक जवान के लिए संवेदना भी जताई। हालांकि आपको बताते चले कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड का इन्हीं 7 दिनों में ये दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले BLA ने 20 मार्च को ग्वादर में मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पर हमला किया था। BLA के इन दोनों बड़े हमलों में एक बात जो कॉमन है, वो ये है कि इन दोनों ही एयरबेस पर चीनी रक्षा उपकरण तैनात किए गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की चीन से खासी नाराजगी है, दरअसल ये नहीं चाहते कि चीन का हस्तक्षेप बढ़े, जबकि ये पहले भी कई बार बलूचिस्तान में चीनी निवेश का विरोध करते रहे हैं। ये बलूचिस्तान में संसाधनों के दुरुपयोग पर नाराजगी भी जता चुके हैं, जिसको गंभीरता से नहीं लिया गया, जिससे इनकी नाराजगी बढ़ती चली गई। पिछले 7 दिनों के भीतर 2 बड़े हमलों के पीछे यही वजह बताई जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।